धोरण 12 नी परीक्षा उत्तीर्ण कर्या बाद पोताना बाळकनी उच्च कारकिर्दी माटे केवा प्रकारनी कॉलेज के युनिवर्सिटी मां एडमिशन मेळवू ते दरेक वाली माटे चिंतानो विषय बनी रहेतो होय छे। वालीओने आ चिंताथी मुक्त करवा माटे अमदावाद मां 2 दिवसीय एडमिशन फेर 2022 नुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ तारीख 5 અને 6 જુલાઈએ યોજાયેલા આ 2 દિવસીય એડમિશન ફેર ખાતે ભારતની ટોચની યુનિવર્સિટીઝ અને કોલેજીસમાં એડમિશન માટે માર્ગદર્શન અને સલાહ પૂરી પાડવામાં આવી હતી। એશિયાના અગ્રણી એજ્યુકેશન ફેર ઓર્ગેનાઇઝર અફેર્સ એક્ઝિબિશન એન્ડ મીડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા એડમિશન ફેર 2022 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેની મુલાકાત લેનારા તમામ વાલીઓએ દેશની ટોચની યુનિવર્સિટીઝ અને કોલેજીસના વડા તથા તેમના પ્રતિનિધિઓ સાથે પ્રત્યક્ષ અને પારદર્શિતાથી વાતચીત કરી પોતાના કોન્સેપ્ટ અને આઈડિયા સ્પષ્ટ કર્યા હતા અને વિશ્વસનીય અને અપડેટેડ માહિતી મેળવી હતી। આ ઉપરાંત એડમિશન ફેર 2022 માં ભાગ લઈ રહેલી દરેક યુનિવર્સિટી કે કોલેજ પોતાની શૈક્ષણિક ઉત્કૃષ્ટતા, પરફોર્મન્સ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સુવિધાઓ, અભ્યાસની પદ્ધતિ અને ફી માળખા વિશે વાલીઓને જાણકારી આપી હતી। कौन से क्रिटिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर होना जानना जरूरी है तब एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज फाइनलाइज करे। तो पहले तो उनको एम्पावर करना ताकि उनको बताना इस सेमिनार के माध्यम से ऐसे कौन से 10 प्रश्न हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उनको जानकारी लेना बिफोर दे फाइनलाइज ऑन देयर कोर्स और द प्रोग्राम। उसके साथ साथ में जब ये अवेयरनेस लेवल का काम हो जाता है, उनके सामने बड़ी एग्जीबिशन होगी, जाएँ डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव से बात करें, सारी चीज़ क्लैरिफाई करें। और यहाँ ऐसा नहीं है कि अभी इनको यही डिसाइड करना है, एटलीस्ट इंफॉर्मेशन गैदर लेके घर में जाके आराम से बैठे, चार लोगों से बात करें एंड वहाँ शॉर्ट लिस्ट करें। 20 में से फिर जो इतना कन्फ्यूज माइंड है, फिर वो 3 या 4 पे आ जाएगा। उन 3-4 पे पूरा फोकस करें, पूरी स्टडी करें, यूनिवर्सिटी विजिट करें और फाइनल कॉल ले जब हर तरह से वो सेटिस्फाइड। तो हमारा काम क्या है, जो कंफ्यूज स्टेट से उसको अनकन्फ्यूज बिल्कुल क्लैरिटी लाना, क्लैरिटी के बाद शॉर्ट लिस्टिंग तक करा दें। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फाइनल डिसीजन एक स्टूडेंट और पेरेंट को खुद लेना ज़रूरी है। आप और हम उसमें मदद नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उनको ही डिसाइड करना पड़ेगा। हमारा काम क्या है, उनको एम्पावर कर देना, उनको इतना बता देना कि नहीं अब तुम्हारे सामने ये रास्ते हैं, अब अपना रास्ता खुद। नमस्कार, मेरा नाम जयदीप त्रिवेदी है और मैं अफेयर्स एग्जीबिशन एंड मीडिया से हूँ, जो ये 17th एडमिशन फेयर के आयोजन करता है। ये एडमिशन फेयर 10+2 के स्टूडेंट्स के लिए आयोजन कर रहे हैं जो भारत के अलग अलग शहरों में हो रहे हैं और ये अहमदाबाद में भी इस बार हो रहा है। तो उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे इंडिया से नामांकित यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन आए हुए हैं, जो इंस्टीट्यूशंस टॉप लाइन यूनिवर्सिटीज़ है और काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। 22+ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे है जो 200 से ज़्यादा अलग अलग प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अनोखी अपॉर्चुनिटी है पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस बार 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, जो आगे फर्दर फ्यूचर के लिए कुछ अच्छे प्रोग्राम्स में के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमको एक ही छत के नीचे अलग अलग 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी। यूनिवर्सिटीज़ के जो डिसीजन मेकर्स हैं, एडमिशन्स हेड है, एडमिशन्स डायरेक्टर है, वो यहाँ पर मिलेंगे, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और प्लेसमेंट्स के बारे में, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, एडमिशन्स फी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ये सभी प्रश्नों के उनको यहाँ पर सेटिस्फैक्टरी आंसर उपलब्ध हो सकता है।